अबे यार और एक गाइस, तो आपने टाइटल देख ही लिया होगा, आपने देखा होगा उत्कर्ष को भी क्या दिक्कत हो रही थी, और ये सबके साथ होती है, मेरे साथ भी होती है, उत्कर्ष के साथ भी होती है, और बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि दिमाग में जो आइडिया है वो डॉ में कैसे आएगा। तो आज इसी बारे में बात करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में आइडिया था, हमने क्या करा, माइक से उसको अपने डॉ में रिकॉर्ड कर लिया, और सबसे पहले हम समझेंगे एबल्टन के अंदर, और आप स्किप कर सकते हो अगर आपको जाना है एफएल स्टूडियो में कैसे करते हैं। तो लाइक हमारे पास ये कॉर्ड का स्ट्रक्चर था, एक बार सुन के देखते हैं इसको। तो अब क्या हुआ, इसके ऊपर मेरे माइंड में एक आइडिया आया और उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया एबल्टन के अंदर। तो आप किसी भी माइक से रिकॉर्ड कर सकते हो, अपने लैपटॉप के माइक से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। लाइक डेफिनेटली मैं एक सिंगर नहीं हूँ, तो एकदम ट्यून में नहीं गा रखा, काफी आउट ऑफ ट्यून है ये। बट अब हम जानेंगे इस ऑडियो को मीडियम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस पर हम सीरम, साइलेंट वन, कॉन्टैक्ट कुछ भी लोड कर सकते हैं। तो अब इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ऑडियो के ऊपर राइट क्लिक करना है, और देन आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कन्वर्ट मेलोडी टू न्यू मिडी ट्रैक। इवन अगर आप ड्रम्स को करना चाहते हो तो आप देख सकते हो इसमें ड्रम्स भी है, इसमें हारमोनीज भी है, बट अभी हम जैसे मेलोडी कर रहे हैं तो अभी हम मेलोडी चूज करेंगे यहाँ पे। तो अब क्या हुआ, उसने इसकी मेलोडी बना दी बहुत ही स्पीड में, और उसमें ना एक जनरेटर लोड कर दिया, लाइक एक प्लगइन लोड कर दिया, साउंड जनरेट होगी, और इसको एक बार सुन के देखते हैं। तो डेफिनेटली क्योंकि ये कंप्यूटर है, इसने 100% सेम नहीं बनाया, बट एक बहुत रफ आइडिया दे दिया, जिससे क्या होगा, आप इसको थोड़ा बहुत ट्वीक करके बिल्कुल आपकी जो डिजायर्ड मेलोडी थी वो बना सकते हो। तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, हालांकि हल्का सा ऑफ लग रहा है, और ये भी नीचे आएगा। तो अभी देखो हम इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं, तो सेम चीज आप भी ट्राई कर सकते हो, जो चेंजेस आप करना चाहते हो। आप सुनते हैं इसको। और अभी क्या रखा है, थोड़ा सा ना टाइम से बाहर है, तो हम सबसे पहले करेंगे कंट्रोल ए करेंगे, एंड देन यू कैन राइट क्लिक, और आप शॉर्टकट भी कर सकते हो कंट्रोल यू या कमांड यू, या फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हो और ये क्वांटाइज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना नियर है हमारी मेलोडी के। तो ये काफी नियर है इस चीज के, और अब इसको रिप्लेस करते हैं किसी और किसी भी और इंटरेस्टिंग चीज डालते हैं इसके ऊपर। हाँ। तो बेसिकली वो एक आइडिया था, और उससे अब हमने कंप्लीट बीट बना दी। और गाइस, तो बात करते हैं एफएल स्टूडियो की, और एफएल स्टूडियो के अंदर ये चीज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने वोकल को अपने एक आइडिया को ले लिया, जो कि हमने एबल्टन में करके देखा था, तो आप चाहो तो पूरी वीडियो भी देख सकते हो, और ये कुछ इस तरीके से साउंड कर रहा है। तो ये एकदम परफेक्ट ट्यून में नहीं है, क्योंकि एज आई टोल्ड कि मैं सिंगर नहीं हूँ। तो अब इस चीज को हम कैसे मेलोडी के अंदर बना सकते हैं, जस्ट आइडिया अभी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सिट्रस के अंदर, और हम जाके एक फ्लूट चूज कर लेते हैं, बिकॉज हमें लग रहा है इसमें फ्लूट अच्छी लगेगी। लाइक आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हो, हम सिट्रस यूज कर रहे हैं। और हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जब बताएंगे कि फ्लूट सिलेक्टेड है, और जैसे ही हम उसे कन्वर्ट करेंगे ऑडियो को मिडी में, तो फ्लूट के अंदर आ जाएगा डायरेक्ट खुद। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप फ्लूट सिलेक्टेड रखो, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ से भी कर सकते हो ये चीज, कि यहाँ पे क्लिक करके एडिटर खोल सकते हो, या फिर आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके भी यहाँ पे क्लिक करके और इसको एडिट सैंपल कर सकते हो। तो एडिट सैंपल करते ही आपके एडिसन के अंदर आ जाता है। तो बेसिकली हमें उस सैंपल को एडिसन में लोड करना था, चाहे जैसे मर्जी, चाहे जैसे मर्जी करो, आप डायरेक्ट भी एडिसन खोल के डाल सकते हो। फिर उसके बाद आप राइट क्लिक करोगे, टूल्स के अंदर जाओगे, और अब यहाँ पे देखो एनालिसिस के अंदर कन्वर्ट टू स्कोर एंड डम टू पियानो रोल। इस चीज पे जैसे आप क्लिक करते हो तो आपके पैटर्न के अंदर ये आ चुका है। तो अब इसको जाके एक बार सुन के देखते हैं। तो एक बार हम अपने ऑडियो को पहले बंद कर लेते हैं। हाँ, तो अभी इसको हम पैटर्न के अंदर कर लेते हैं सीधा। तो आप देख रहे हो एकदम करेक्ट नहीं है, थोड़ी बहुत इसमें भी गलतियां हैं, तो इतना तो हम सुन सुन के कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको एक रफ आइडिया मिल गया। तो काफी मिल गया इससे। तो हमें लग रहा है ये एफ नोट नहीं होना चाहिए, ये ई नोट होना चाहिए। हाँ, सॉरी, ई होना चाहिए, और यहाँ पे भी एक और नोट आ सकता है। लाइक ये नोट भी ऑफ लग रही है। All right guys, तो जल्दी से क्या करते हैं, इसको क्वांटाइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें दिख भी रहा है ये टाइम के अंदर नहीं है, बाहर है। तो जल्दी से हम करेंगे कंट्रोल क्यू या कमांड क्यू, और ये हमारा क्वांटाइज हो गया है। और आप देख सकते हैं पीछे से वाला नोट जो थोड़ा सा लंबा है, इसको शॉर्ट कर लेते हैं।
तो लाइक ये काफी सही ट्रिक है, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया, फिर आप कोई भी मेलेडी गुनगुना रहे हो तो आप उसको मिडी में बहुत इजीली प्रिंट कर सकते हो। ऑल राइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी, और बढ़िया लगी हो तो भाई क्या करना होता है, बढ़िया लगी है तो फटाफट से लाल बटन ठोक दो, तो भाई लाल बटन ठोक दो, कमेंट कर दो। इसी के साथ अगर तुम हमसे पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट आ रही होगी, जाके चेक करो basila.in, आप मिक्स मास्टर करा सकते हो या हमसे पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।